पीछे ट्रैफिक वाले मिले थे, उन्होंने चलान के लिए बोल रहे थे, हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने छोड़ दिया, बाकी कह रहे थे आगे डलवा लेना, बट यहाँ पे मार्केट ऐसी है नहीं जहाँ पे नंबर मिले पूरा मिल जाए। तो गाइस हम जो यहाँ से निकल रहे हैं तो लेट्स गो। तो गाइस पहले जो बाइक वॉश कराएंगे। तो गाइस बाइक जो वॉश हो चुकी है एंड अब हम निकलेंगे यहाँ से। यार ये टेम्पर ना सही से फिक्स नहीं हो जाता यार, इसलिए पानी इसके अंदर भी घुस जाता है। चेंज करूँगा इसको जैसे घर पहुँचूँगा उसके बाद। और नंबर प्लेट का हाल आपने देख लिया, पीछे ट्रैफिक वाले मिले थे, उन्होंने चलान के लिए बोल रहे थे, हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने छोड़ दिया, बाकी कह रहे थे आगे डलवा लेना, बट यहाँ पे मार्केट ऐसी है नहीं जहाँ पे नंबर प्लेट पूरा मिल जाए। अगर वैसे नंबर प्लेट होता उसके ऊपर स्टिकर तो यहाँ पे मिल जाता है छिपाने को, बट नंबर प्लेट पूरा मिल नहीं पा रहा। यहाँ से जो है 30 किलोमीटर आगे, 30 से 40 किलोमीटर आगे जो है कोलपुर मार्केट है एंड कोलपुर बाज़ार है यहाँ का बड़ा, एंड वहाँ पे जो है मिल सकता है आइडिया है, बाकी वहाँ तक तो ऐसे जाना पड़ेगा। अगर रास्ते में चेकिंग वेकिंग मिलगी तो देखेंगे अब क्या है, मैनेज करेंगे करेंगे रिक्वेस्ट। तो ठीक है यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज हम जो यहाँ से निकल चुके हैं एंड अपनी नंबर प्लेट जो है डैमेज है आपको दिखाया था मैंने अभी, तो 30 किलोमीटर आगे जो है मार्केट आएगी यहाँ की कोलपुर, एंड वहाँ पे आई थिंक हो जाए काम, बाकी मुश्किल है मुझे नहीं लगता यहाँ पे होगा। बाकी चेकिंग वेकिंग मिल गई तो भी कुछ नहीं बोलेंगे यार, नेपाल की ऑफ रोडिंग को भी पता ही है, पीछे भी मिले थे 3-4 कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमने बात कर ली थी, अगर आगे भी मिले तो बात कर लेंगे, अगर मार्केट में दिखा तो हम काम तो करवा लेंगे, अगर नहीं दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉर्डर के उस पार जो है इजीली बन जाएगा तो वहीं करवाएंगे नंबर प्लेट का काम। तो कीप वॉचिंग गाइज। गाइस बस 120 या 130 किलोमीटर बाकी रह गया है, बाकी हम जो है कर्णाली पुल में पहुंचने वाले हैं। बस एक कट खत्म होते हैं, कर्णाली पुल है सामने। गाइस लुम्बिनी प्रदेश खत्म एंड लाली स्टार्ट। मैं इधर आखने जो फोटो खींचा
तो गाइज अपनी बाइक की जो है चेन थोड़ी सी मुझे फील हो रहा है कि लंबी हो रही है, क्योंकि 600 किलोमीटर हमने राइड कर लिया है। तो सामने अगर कोई गैरेज दिखता है तो हम इसको जो है थोड़ी टाइट करवा लेंगे, पास में कोई मिल जाए तो। देख रहे दोनों तरफ यार, होना तो चाहिए, बजा रहे है। हाँ सामने है तो दिख गया मुझे, सामने एक गैरेज राइट साइड में। एंड वहाँ पे चलते हैं, अब चेन वेन चेक करवाते हैं। एंड इस चेन स्प्रे मिल गया, चेन स्प्रे डलवाते हैं, चेन सूख भी गई होगी, लॉन्ग राइड से आ रही है, बाइक वॉश भी की थी हमने। इस पकड़ अस्ति हाल यार 3 दिन 4 दिन भयो, हुन त काठमाडौँ देखि यहाँसम्म आइहाल्यो, भइहाल्छ होइन? डबल स्ट्यान्ड नभएन यस्तै दुःख हो यार काले भयो। ए तिनु कसरी घुमाइदियो क्या? भएन, खुला दिएपछि दिन पछि धन्यवाद बढिया फिल याद आयो देखाले एकदम। तो गाइस चेन भी लंबी हो रही थी एंड चेन टाइट हो गई, एंड चेन में स्प्रे तो मिला नहीं, बाकी ऑयल जो है हमने डलवा लिया है। एंड अब यहाँ से जो है अपना घर 80 to 90 किलोमीटर रह रहा है, दिल्ली से जाएंगे, टाइम काफ़ी है। तो गाइज टाइम आ गया है इस सीरीज़ को एंड करने का, बिकॉज यहाँ से जो है अपना घर 10 किलोमीटर रह रहा है, मे बी 10 मिनट 15 मिनट के अंदर हम घर में होंगे। तो आप लोगों ने जो है काठमांडू सीरीज़ में मतलब काफ़ी प्यार दिखाया, तो जितने चैनल पे नए आ रहे हो गाइज वो भी सब्सक्राइब कर लो। आगे जो है लद्दाख का भी टूर बनेगा हमारा, अभी जो है ठंड का मौसम था इसलिए हम लद्दाख जा नहीं पाए, इसलिए मैं काठमांडू आ गया था। बाकी जैसे मौसम चेंज होता है तो अगले साल हम जो है लद्दाख ट्रिप इसी बाइक में करेंगे। और जो भी चैनल पर नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा बहुत प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब लाइक कमेंट जो भी भेज कर दो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू सभी को। इस सीरीज़ को जो है यहीं पे एंड करते हैं।